नमस्कार, सुमंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बेसन लिया है, 250 ml देसी घी, 250 ग्राम चीनी। तीनों चीजें हमें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। अगर हम इन्हें कप से मेजर करेंगे तो हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है, 1 कप घी और 1 कप हमने चीनी ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तगार बनाकर तैयार करेंगे। तो तगार बनाने के लिए कढ़ाई हमें भारी तले वाली ही लेनी है ताकि चीनी जो है वो जले नहीं। और कढ़ाई में हम 1 कप चीनी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है तो हम उसका 1/3 कप पानी ऐड कर देंगे, 1/3 कप, और इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। चीनी में हम बस उतना ही पानी ऐड करेंगे ताकि चीनी जो है पानी में थोड़ी सी भीग जाए। अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसके मेल्ट होने तक इसे गर्म करेंगे और चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हम एकदम हाई रखेंगे। घी इसलिए डालते हैं ताकि जब हम तगार बनाएं तो उसमें डेले नहीं बने, गांठे नहीं बने। तो इसे चलाने के बाद तो चीनी में बहुत अच्छे से झाग आ रहा है और ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, इसका पानी जो है वो खत्म हो गया। तो जब इस तरह से बहुत अच्छे से झाग आने लगे तो गैस को हम स्विच ऑफ कर देंगे और इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये भुरभुरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसे बस इस तरह से चलाते हुए ही हम ठंडा करेंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, साइडों से भी इस तरह से छुड़ाते रहेंगे। तो देखिए, और एक बात का और ध्यान रखिए, नॉनस्टिक पैन में तगार नहीं बनाएंगे, नहीं तो नॉनस्टिक पैन जो है वो खराब हो जाएगा। जितना अच्छे से चलाएंगे उतनी ही अच्छी तगार बनकर तैयार होगी। तो तगार देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही भुरभुरी है और इसमें किसी तरह के डेले और गांठे नहीं है। तो हम इसे छान नहीं रहे हैं, अगर होते तो हम इसे मोटी छन्नी से छान लेते। तो अब हम अगले प्रोसेस पर चलते हैं। तो तगार हमने बनाकर तैयार कर लिया है तो अब हम बेसन भूनेंगे। तो पहले हम कढ़ाई में थोड़ा घी डालेंगे। तो अभी मैंने इसमें 1/2 कप घी डाल दिया है। तो बेसन भूनने से पहले हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो उनको हम इसमें फ्राई करेंगे। तो हम इसमें डाल देंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ता, और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब ये फ्राई हो गए हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब इस घी में हम 2 कप बेसन ऐड कर देंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलने लगता है। लड्डू बनाने के लिए हम मोटा बेसन लेते हैं पर मैंने यहाँ पर बारीक वाले बेसन का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटा बेसन हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इस जो घी है वो बहुत ज्यादा एक साथ ऐड नहीं करना है बेसन में, क्योंकि ये बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि घी कितना लगने वाला है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही घी ऐड करते हैं। तो अभी जो है बेसन काफी ड्राई लग रहा है, सूखा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे, लगभग 2 चम्मच, और इसे मिक्स करेंगे। अगर बेसन में घी कम होगा तो
खाते समय लड्डू जो है वो मुंह में बहुत ज्यादा चिपकने लगते हैं, गले में चिपकने लगते हैं। तो एक तो बेसन को अच्छे से भूनना है और घी कम नहीं रहना चाहिए लड्डू में। और अभी भी ये थोड़ा सूखा सूखा ही लग रहा है, तो हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देते हैं। तो देखिए घी मतलब इस तरह से होना चाहिए। अब जो है बेसन काफी अच्छे से भुनेगा, पर इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये घी छोड़ता जाएगा। तो इतना ही जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घी की, वो बेसन में इस तरह से होनी चाहिए कि थोड़ा सा इस तरह से गाढ़ा सा हो जाए। इससे ज्यादा घी नहीं ऐड करना है। तो अब हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें घी नहीं ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो से मीडियम फ्लेम पर इसके गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। बेसन को हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक जो है इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। और बेसन को लो से मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा और अच्छे से भुनेगा नहीं। और लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे बेसन भुन रहा है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और साइडों से भी जरूर चलाएं और नीचे इस तरह से, नीचे से भी आपको अच्छे से बेसन को चलाना है, नहीं तो जो बेसन है तो नीचे लगना शुरू हो जाता है और जल जाता है। तो अब देखिए बेसन का जो कलर है वो जो है चेंज होना शुरू हो गया। और गैस का फ्लेम जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो तो बिल्कुल लो पे ही रखें फिर इसे। तो अब मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है बिल्कुल ही। तो बेसन का जो कलर है अब वो थोड़ा गोल्डन सा हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो बेसन भुन चुका है और ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी आ गया है। पहले देखिए कितना गाढ़ा था और अब ये लिक्विड फॉर्म में आता जा रहा है, क्योंकि बेसन जैसे जैसे भुनेगा ये घी छोड़ता जाएगा। तो इससे ज्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें पानी का छींटा मारेंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, पानी का छींटा मारने से बेसन में दाना बन जाता है। और इसे जल्दी जल्दी से झाग के खत्म होने तक हम इसे बस भूनेंगे। तो अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, झाग पूरी तरह से खत्म है। और इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ा ठंडा करेंगे। अगर हम इसे इसी बर्तन में छोड़ देंगे तो बेसन और ज्यादा जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम इस तरह से चलाकर ठंडा करेंगे। और इसे उतना ठंडा करना है ताकि हम इसे आराम से छू सकें और तभी हम इसमें तगार ऐड करेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी। तो अब जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का ग्राइंड कर लेते हैं। इन्हें हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा कूटना है। तो बेसन जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया है और ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने दरदरा कूट लिया है। 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे
जो हमने तगार बनाकर तैयार किया था, और इन्हें हम मिक्स कर देंगे। और अगर आप तगार बनाकर लड्डू नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें भूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि इजीली मिल जाता है मार्केट में। अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे, तो इस तरह से अच्छे से, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स इलायची डाला है तो हमें अच्छे से इन्हें मिक्स करना है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो बस आपको मिश्रण को इस तरह से हाथ में पकड़ना है और हल्का सा दबाव देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और बहुत ज़्यादा दबा कर लड्डू नहीं बनाने हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा दबा कर बना देते हैं लड्डू को तो बीच में से हार्ड हो जाते हैं। तो एक लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिया है, तो इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इन्हें गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा लड्डू बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा दाना बना है। तो आप भी बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।